flow for me. I'm not the same. I'm standing on my own two feet. Now I'm coming back to life.
Now I'm coming back to life.
flow for me. I'm not the same. I'm standing on my own two feet. I'm coming back.
हेलो भाई, ऑल चैट। हेलो, ऑल चैट। हाँ, हाँ हेलो। ऑल चैट में क्या ब्रो? कौन सी स्क्वाड से ब्रो तुम? चार के ज़ॉम्बीज़ लाए, चार के लाए, तो चार के। हाँ, आप कौन सी एक स्क्वाड में? मेरा था। क्या मैं भाई फोर्स से, फोर्स फोर्स पर निकल दिखा रहे रहा हूँ घूम भाई, कल। टीम मन दिखा रहा हूँ। रोने से रोटेशन दे, रोने टीम से वन रोटेशन दिखाते दे। हैं हम आपको, क्योंकि अभी बाहर गए इधर थे ये हम। वाली सड़क से लो जाओ। जी, स्टॉम्प बर्नर भाई अबे वही पीछे, तो टीम बोल रहा, राइट रोड वन से यहाँ पे जा। है, अरे सुन जोर-जोर नहीं, सिटी नहीं के अबे अंदर। अबे राइट से जाओ, छोड़ इसको, राइट रोड से जा। डिओक्स राइट रोड से जा। अरे अब निकलेगा पहले, अबे जोन के बाहर जाता ही नहीं है। जाओ इधर चल जाओ, ये वाले घर में मेरे मार्क देख, ये वाले घर में।
अरे तेरे को लग रहा है ना, हिल तो बोल ही नहीं रहा मैं। अरे दो हिल तो तो देखो थोड़ा यहाँ पे, तो दिमाग भाई लगाओ, इधर इग्नाइट भी की बंदे टीम भी हैं पहुंच और गई इसकी रोड टीम है रो, भी, ये हिल के दोनों जगह ऊपर। ड्रॉप है किसी का। ये एज खेलना तो इधर चला जा, ये भी मेरे मार्क पे चला जा या तो। हाँ क्योंकि हॉस्पिटल भी क्लॉक का ड्रॉप है, वो निकल गया लूट के। नहीं ये तो ईटीसी बने। अरे ऊपर से इतना डैमेज दिया, डैमेज देखे हो मैच के बाद, ऊपर से इतना डैमेज दिया सबको। मेरे को तो और एक देखते दो हैं क्या बचे, कौन सी अंदर टीम देखा की तीन तीन फाइट हो बैठे रही है हुए अभी। थे। लॉर्ड विपुल की टीम की फाइट हो सकती है ब्लीड की टीम के साथ, इसलिए ब्लीड की टीम को लॉर्ड विपुल की टीम को अरे देखते वो हैं। सीढ़ियों पे एंगल लेके बैठा हुआ था ना जो भी एक, देख रहा वो लाइक मेरा एंड ध्यान सब्सक्राइब उस का पे बटन चला। दबा दो, इधर आएंगे तेरी फाइट होगी इधर, दबा दो गाइस, बैठ जा आराम दबा से, दो। मैं बोल चुप रहा हूँ जगह अभी टीम भी। वन ये वाले इधर सर देख, स्पाइस टीम तेरे वन मार्क दे, दिखा तेरे देते। मार्क दे, तेरे टीम वन मार्क दे। अभी हमने आपको अरे वो दिखाई दादा दी ही है रही बे, तुम सुनते ही सारे तो के नहीं सारे हो। टीम यार, जो मार्क देख इनके मेरा पास अभी फाइट नहीं हो रही, तो टीओ की टीम के पास चलते हैं फटाफट। टीओ की टीम, राइट में, और यहाँ पे हेलेक्स की यहाँ पर बंदे। टीम की हाँ फाइट हो चुकी इधर है इधर बैरो चल, की इधर टीम चल, के इधर साथ, और चल। बैरो की टीम के सेम बंदों को हाँ यहाँ पे नॉक किया गया था। टीएसएम हाँ चलो जोनाथन खेल रहे हैं वहाँ पे बैरो के साथ, वैसे दादा वाइटी के साथ, टीरेक्स, एंड यहाँ चलो पे रश टीरेक्स। होने लगा है। हाँ टीएसएम जोनाथन के बोल ऊपर रहे हो कैसे चुका है मर गए रश, क्या, अरे मर गए क्या। हेलेक्स की अरे टीम ने एक कर ही दिया मिनट, यहाँ हाँ पे लेफ्ट रश। में मेरे को कैंपिंग करके वहाँ है। इधर सिटी में ही हो गया अभी भी। हाँ अभी भी सिटी और में यहाँ पे ही है, नेट चालू हो चुके हैं टीएसएम जोन की में भी टीम नहीं के ऊपर, आने देते बैरो की टीम लोग। के ऊपर नेट जाने चालू हो चुके हैं एलेक्स की टीम की तरफ से। एनएफ की टीम ने, एलएफ की टीम ने भी यहाँ पे एक बंदे को टीम एफ की राहुल को कर दिया है ख़त्म। टीम एफ की मनीष भी वहीं से गुजरते हुए देख रहे हैं जैसे कि हम देखते हैं। यहाँ पे एलेक्स की टीम कैसे ही एक बंदा नॉक होता है बैरो की टीम का, तो वैसे ही यहाँ पे रश हेलो होने वाला टीरेक्स, है हेलो। एलेक्स की टीम हाँ का। बोलो। अरे कितने बंदे मरे तुम्हारे? अरे एक ही मैं मर रहा हूँ, क्योंकि मेरे मैं लेफ्ट लेफ्ट एक ही में कैंप मरा है करके अभी। बंदा आ गया यार। लेफ्ट रिज फ्लॉट, लेफ्ट रिज लेफ्ट वाली। हाँ वही तो बोल रहा, और हमारी यहाँ पे फाइट, हम नेड फाइट होते ले रहे हैं हुए गाड़ी के पेड़ हेलेक्स के पीछे। जोनाथन भाई हाँ बहुत बस ज्यादा बैठा है, डैमेज हो चुके हैं यहाँ पे, एंड हेलेक्स की राइट टीम में देख, देखते हैं फ्लॉट अगर राइट में नॉक हो देख। जाते हैं वो यहाँ पे इधर भाई छोड़, हेलेक्स कुछ ही नहीं है, तू इधर देख टीम बस, की तरफ से एक बैरो की उतारना टीम है का बस एक भी प्रेजर, बंदा ठीक है भाई इधर बैठे बंदा रहो तो अभी। रश हो जाएगा अभी यहाँ पे बंदा। डॉक्स भाई, डॉक्स एलएफ की भाई टीम ने हेलो, टीम एफटी राहुल को कर दिया था डॉक्स नौ भाई बंदे, वो हॉर्डर्स के चोर है। पास फाइट ले रहे हो एंड क्या? यहाँ पे थोड़ा देखे राइट तो जाओ, भाई राइट जाओ, इजेड इधर की कोई नहीं है, टीम तुम के सामने बंदे देखो नॉक कर बस। दिए गए हैं फॉरएवर की टीम की तरफ से, एंड रिवाइव दिया जा रहा है इजेड कलाना को। एंड यहाँ पे आई थिंक रश होगा फॉरएवर की टीम अब की तरफ ज्यादा से वीक उनके मत ऊपर। करो, शो स्लॉट वन, स्लॉट वन से हम हटते ही हैं तो वैसे बोल देते। एंड स्लॉट वन को देखे तो भाई एस टी बी एन की टीम को देखे तो आगे की तरफ बढ़ते हुए एंड उधर ही बंदे हैं। एंड हेलेक्स की टीम यहाँ पे बैरो की टीम के साथ फाइट हो चुकी है। हेलेक्स के बंदे निशांत को नॉक कर दिया गया बैरो की टीम की तरफ से, एंड यहाँ पे मर रश गया हो तुम चुका है बैरो की टीम के तो। नॉक, एंड फिनिश कर दिया गया यहाँ पे बंदों को। बैरो अरे हीश से सामने की तरफ बैठे हुए हैं, टी पी पी लेते हुए बैरो हीश नीचे की तरफ गए। बैरो हीश आई थिंक अकेले बचे हैं अब, एंड बैरो हीश के ऊपर फायर देते हुए बैरो हीश एंड बैरो दादा वाइट ही बचे हैं। और ये बैरो दादा वाइट ही डैमेज बहुत दिया था, क्या बट बैरो हीश के यहाँ पे वो कहाँ पे, वो गन मर गया स्क्रैपिंग रिकैप्चर के वो देख, चक्कर में ही भाई जॉक्स बहुत जॉक्स कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ पे नॉक हो चुके हैं बैरो दादा वाइटी पे। अब सारी की अरे सारी बगिया ही ओपन, सिचुएशन मारो मारो डिपेंडेंट, मारो, हेलेक्स का बंदा वहाँ पे रिवाइव क्या दे रहा झंड हुआ मार वार्स रहे हो की बे, तरफ। सामने देख। एंड यहाँ पे अरे हेलेक्स वॉरियर निकल के नॉक करने की कोशिश बैरो दादा तो वाइटी पड़गी को पे सामने चलती की बग्गी तरफ। पे खाया बेइज्जती साले। एंड लॉर्ड की टीम ने भी यहाँ पे डीबीएस की टीम को बंदों को ब्लीड की टीम को कर दिया है फिनिश। और ये देखिए हेलेक्स की टीम को यहाँ पे ओपी कर दिया है बैरो दादा वाइटी ने फिनिश। हेलो टीरेक्स, हेलो। हाँ बोलो, अबे तुम हो कहाँ पे? अच्छा हम क्या स्क्वाडर्स में शूटिंग रेंज के पास। अच्छा तुम लड़ रहे हो वहाँ पे। हेलो भाई नहीं अपना नहीं कल, लिनक्स को बता रहा हूँ। हाँ बात हुई थी हमारी कल स्लॉट वन में, साहिल नल्ला यार साहिल हाँ क्या देख रहा बोल, हूँ। एंड यहाँ पे देख हाँ रहे हो सर भाई 1v3 किया दादा ने अभी जस्ट। ऑफलाइन आई यार ये लीव कर दिया आई थिंक इसने। एंड वहाँ पे देखे तो टीम एफटी के मुरली भाई, मुरली भाई नौ कोई पड़े हैं। अब यार मेरे साथ एंड अलग देखते हैं स्कैम यहाँ पे हुआ, रिवाइव हो पाएंगे या नहीं। मैं सामने मार रहा हूँ, मेरे को लेफ्ट से कैसे कैंपर होना मारा है। यहाँ पे ट्रैक्स बोल रहे हैं, बैरो ट्रैक्स बोल रहे हैं ऑल पे, हमारे को कैंपरों ने मारा है। ईस्ट तो मेरे साथ ना हुआ टीम था ना, एफटी रखा हुआ यहाँ पे भाई सक्सेसफुली, मुरली के ईस्ट मुरली के ऊपर हाथ रख के उसको रिवाइव करने के लिए बैठ कर रख रहे हैं। हेलो और ईस्ट, यार मेरे साथ ना हुआ था ना लेफ्ट वाले बंदे से।
देखे तो यहाँ पे सारी की सारी भाई टीम्स मैं आ नॉक चुके हैं पे निशो गया, जोन दो बज में, गया जोन के बाहर तेरे अभी को तक बचा कोई दिया भी नहीं मैंने। टीम है, सिवाय सिवाय पीएफ साहिल को, जो कि ऑफलाइन बैठे हुए हैं एसटी की टीम की तरफ से खेल रहे थे इस बार। वो पता नहीं गलती से उनके स्लॉट में चले गए। अरे यार हेलो टीरेक्स, हेलो टीरेक्स, पुश पुश दे सीधा घुसा। वो नीचे रिवाइव दे रहा है, अबे घुस ना प्लॉट, रिवाइव दे रहा है वो, अंदर जा चूतिए हो बे तू, तेरे को पता। स्लॉट कते ही बेशरम। स्लॉट खाते हैं बेशरम। अच्छा सॉरी सॉरी, मेरे को मैंने पढ़ा नहीं, मेरा भी स्लॉट खाया यार उन्होंने। मतलब हेलो, हाँ करवाते हैं भाई, ग्रो करवा देते हैं हर्ष गेमर भाई। अपन रेंट पोस्ट कीजिए, देखते हैं हम। चलो रे, बाय बाय। हेलो टीरेक्स भाई, हेलो टीरेक्स, बाय बाय। ओ टीरेक्स भाई, अबे सेंटर है, सेंटर होल्ड मारो। खत्म कर दिया भाई इन्होंने फौज की टीम ने, बैरो की टीम को। एंड यहां पे पीछे से देखे तो रेंडर हुआ, रेंडर हुआ, छत पे मत जाना बस। टैक्स और डेनम, अरे लेट जा बालकनी में जाके कभी करोगे। आ भाई मैं देख के करता हूं यार हर्च गेमिंग। अभी तो बोल रहा हूं बैठा रहा, एक अब हिल मत ना ज्यादा। अरे जाने दे सरस भाई यार, एक यार, यार वो दिक्कत आ रखी है यार, क्या हो रहा है यार। अरे तभी बोल रहा हूँ इजी खेलो, क्या बताएं यार सरस भाई। हेलो हाँ बगी आई, हेलो डिटॉक्स भाई। अरे 2 बजे वाला भी खेल लेना भाई, ठीक है। हाँ नेड मॉली से बच के इधर ही नेड आएंगे। अबे एक जगह मंत्र हो गया, तू साले नेड़ दे रहे, तो नेड़ के नाम पे ही कलंक है। दो ही हैं बगी से, दो ही हैं। अबे अभी तो दो ही होंगे प्रजास्त। कैसा है भाई, कैसा है हर्षित, देख छत पे चढ़ा होगा मेरे साथ। वाह क्या हाल है, गैस कैन उठा ले फटाफट जाए। एंड यहाँ पे टीम बीटी के डीऑक्सिस को कर दिया गया एसबी रन। डेमन ओपी की तरफ से दूर से नॉक, एंड रेक्स ओपी यहाँ पे नेट निकाल के खड़े हो चुके हैं। नेट डालेंगे एंड इस नेट से नॉक नहीं होगा दोबारा कभी, मेरे को लगता है, क्योंकि बैठू है वो सीढ़ियों के ऊपर ही। और ये आई अंधा घुस गई एसटीबीआरएन की टीम, अरे मत जा इधर, ऊपर की तरफ फोल्ड करके बैठे हूँ। और ये भाई उन्होंने प्री नेड किया था एसटीबीआरएन की टीम ने, यहाँ पे भैया कर दिया है यहाँ पे फौज की टीम के बंदों को खत्म। अंधा घुस के हर्षित बजाज, हेलो मेरे हर्षित, मेरे प्यारे हर्षित। हर्षित वीसी आई हो, बात करनी है। If you are on stream, then come to VC for our stage. यहाँ पे भाई कार 98 के साथ TXP के एक बंदे को कर दिया नॉक। देखते हैं हम तेजू को, जिन्होंने किया है सामने की तरफ एक बंदे को नॉक। एंड देखते हैं भाई इसी के साथ हम देख रहे हैं फॉरवर्ड तेजू को, जो कि कार 98 में लेके खड़े हुए हैं। EZ की टीम इनके क्लोज में। एंड अभी देखे जाए तो भाई IND की टीम जो है, TSR की टीम सॉरी, जोन में आते हुए TXP की टीम के साथ हो सकती है इनकी फाइट, वो भी गंदे वाली। और ये भाई DP के साथ EZ आजू ने कर दिया है
और अगर एक्सचेंज को नॉक एंड शायद से टीम 18 अब थोड़ा सा मतलब कोशिश करेगी कि एक बंदे और को नॉक करें और रश करें, और जैसा कि मैंने बोला था टीएक्सपी और आईएनडी टीएसआर और टीएक्सपी की टीम की फाइट हो चुकी है, जहाँ पे भाई हसलर के भाई इन आईएनडी फैंटम नॉक पड़े हुए हैं, टीएसआर एसएल पर यहाँ पे फोर एस का दे दे रहे नॉक कर दिया एक बंदे को, और ये नेड आया है टीएससी अल्फा भी नॉक हो चुके हैं यहाँ पे, और लो भाई हसलर की टीम यहाँ पे भाई धमाकों के साथ खत्म किया गया है हसलर की टीम को। पर टीएक्स के बंदे वहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं, फॉरएवर एक्स की टीम भी यहाँ पे भाई फाइट ले रही है ईजेड की टीम के साथ, वहाँ पे ईजेड की टीम बराबर डैमेज देते हुए फॉरएवर की टीम को, सॉरी मॉजिन चला रहे हैं हमारे पर जो थोड़ा सा डैमेज दिया अभी शॉट पे, और ये भाई बट पता नहीं क्यों अटैच नहीं हो रहे इनके शॉट्स, हेलो अरे खेलेगा कस्टम 2 बजे ये कितने बंदे हैं? अच्छा ना मैं तो यार दिन पता स्ट्रीम करता हूँ ना मेरे टीम वाले कितने यार ओए यार स्ट्रीम की गल नहीं है साले पे यहाँ चक्कर पै रहे स्ट्रीम तो मैनू की है भरा जन्मदिन भी आ रहा मैं तो उनकी सोची पे हाँ की करा मैं कहा बर्थडे भी आ रहा मैं तो उनकी सोची पे हाँ की करा हाँ खुद ही दादे की सितंबर च होता पता नहीं तेन याद नहीं 12 सितंबर
इधर देखे तो भाई LF की टीम कतई लेटी हुई है सामने, TXP की टीम है एंड NF क्लाउड वहां पर उनको देखने की कोशिश करते हुए LF की टीम के यहां पे स्पार्क को पड़ा है डैमेज एंड देखते हैं यहां पे ST की टीम भी इसके पास ही LF की टीम के पास, LF की टीम यहां पे ST की टीम को ले जाएगी या फिर ST की टीम LF की टीम को ले जाएगी, देखने वाला सीन होगा। और ये ST भी रेड को भी आ रहे थे और ये M4 का 4X का स्प्रे मारते हुए NF क्लाउड एक बंदे को नॉक किया और एक TXP ड्रैगन को देखे तो PRF की टीम को क्या ही फिनिश किया गया यहाँ पे, क्या ही भाई गाड़ी फूटी एंड PRF की टीम खत्म वहाँ पे। TXP ड्रैगन ने बहुत अच्छे तरीके से PRF सोलन को किया खत्म, उनके टीममेट ड्रैगन ने भाई क्या ही गाड़ी फोड़ के की है खत्म बंदों को। टॉम बॉर्नर फिर बता दो, बताता हूँ ब्रो टॉम बॉर्नर भाई वो लो भाई नॉक पड़े हुए हैं सरस भाई, अभी हमें देखा ही है कि भाई मार्की भाई वहाँ पे नॉक हो चुके हैं, डायमंड भाई यहाँ पे लेटे हुए हैं एंड वहाँ सामने फॉरएवर की टीम है डायमंड भाई के सामने और देखते हैं भाई डायमंड भाई हमारे क्या करते हैं। फॉरएवर की टीम आई थिंक भाई लेफ्ट से राइट से ही आती होगी पूरी एंड डायमंड भाई को आई थिंक मार्की को रिवाइव दे देना चाहिए बट डायमंड भाई जहाँ जाने किस चीज़ का इंतजार करें। और ये भाई गाड़ी को पीछे इनके थोड़ी बाइक खड़ी थी शायद से दूर में उसको आई थिंक ये समझ रहे थे बंदा बंदा एंड उन्होंने फायर दिया DP का एंड यहाँ पे रिवाइव करेंगे अब शायद मार्की भाई यहाँ पे रिवाइव हो सकते हैं, स्मोक कर रखी है इनके ऊपर इसलिए ये थोड़ा सा खतरा कम हो जाता है भाई गोलियाँ पड़ने का। और अगर पवन बचते हुए सामने की तरफ पवन भाई स्मोक के अंदर देखते हैं भाई स्मोक कर करके आगे की तरफ निकलते हुए एंड TXP की टीम को देखो तो पूरी की पूरी टीम अभी तक जिंदा है भाई एंड TXP की टीम के पास बट एक डिसएडवांटेज इनके पास जोन नहीं है यहाँ पे TXP अनूप देखते हुए एंड रैंडम शॉट्स देते हुए स्मोक के अंदर ताकि एक और ये भाई फॉरएवर एक्स नील की टीम भी हो चुकी है यहाँ पे ख़त्म, पवन भाई को स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की टीम ने कर दिया ख़त्म। डायमंड निकलते हुए और यहाँ पे यही चारों बंदों की तरफ से फायर और ये भाई TXP अनूप को क्या ही डैमेज दिया मार्की ने पीछे से कवर देके एंड यहाँ पे भाई मार्की ने कर दिया TXP ड्रैगन को नॉक एंड अनूप को भी नॉक, अनूप को फिनिश कर दिया गया यहाँ पे, ड्रैगन को भी फिनिश कर दिया गया भाई। अब है सिचुएशन असली 2v2 की सिचुएशन कर दी है यहाँ पे मार्की भाई ने, क्या ही भाई क्या ही मतलब कि कहाँ से इन्होंने गेम निकाली है एंड यहाँ पे भाई TXP और भी नॉक हो चुके हैं भाई, क्या ही भाई STPRN की टीम ने यहाँ पे 2v4 की क्या ही गेम निकाल रहे हैं, बहुत अच्छे खेलते हुए यहाँ पे XP BRN की टीम एंड दोनों के पास थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे ST की टीम के पास क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, अगर क्रिप्टॉन भाई वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं तो भाई एक बंदा ना देख पाए तो दूसरा बंदा तो स्पॉट कर लेगा एंड यहाँ पे नेड हाथ में खींच लिया है सामने की तरफ TXP क्रिप्टॉन की ओर फेंक दिया, क्रिप्टॉन यहाँ पे डैमेज के साथ साथ फिनिश हो गए और ये क्या ही भाई बहुत प्यारा चिकन निकालते हुए यहाँ पे STBRN की टीम। STBRN OP और वार्ड हमारे सरस भाई की टीम ने कर लिया यहाँ पे चिकन बहुत प्यारे तरीके से, और चीज लेते हैं हम सारे के सारे स्क्रीन शॉट यहाँ पे ले लेते हैं। बै बोय OP चिकन और वोट अच्छा हो सारे मूड बना के रूम कौन बना रहा है यार पहले ये बताओ मेरे को, हम उसको ऐड करें हमको इनवाइट करें वो फिर। सरस भाई VC आओ बताओ हमको रूम कौन बना रहा है, आई थिंक फॉरएवर एक्स की टीम के बंदे बना रहे हैं, कश्यप भाई को बुलाना पड़ेगा लग रहा है। अच्छा आओ फिर
Begging on the floor for me.
I'm not the same. I'm standing on my own two feet. I'm taking back my life. All you did was use it. You break it, you lose it. Sorry, your time is up. Now I'm coming back to life. I'm taking back my life. अभी तो मैं अनम्यूट हुआ हूँ इसको बताने। ओपी अनुज वाईटी भाई, खेलने के लिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया। डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड लिंक को ज्वाइन करें, उसमें आप इवनिंग कस्टम खेल सकते हैं। अगर दोपहर वाले खेलने हैं तो उसके लिए आप हमको डीएम करना, आपको दूसरे डिस्कॉर्ड का लिंक देंगे, वहाँ पर जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं। बताओ बताओ एम टी, I'm coming back.
अनुज वाईटी भाई, एक्चुअली ये T3 स्क्रीमर्स के लिए रजिस्टर करवाना पड़ता है, बट हम आपको खिलवा सकते हैं एक मैच, उसके लिए आपको डिस्कॉर्ड में आना पड़ेगा। You're too late,
I'm not the same. I'm standing on my own two feet. I'm taking back my life. All you did was use it. You break it, you lose it. Sorry, your time is up. Now I'm coming back to life. I'm taking back my life. Come on.
हेलो भाई, रजिस्ट्रेशन करनी कहाँ है भाई? अरे अरमान डबल एक्स आई टी भाई डिस्क्रिप्शन में दिएगा डिस्कॉर्ड लिंक, आपने ज्वाइन कर लिया तो हमें डीएम कर दीजिए, क्योंकि जो डिस्क्रिप्शन में है लिंक वो है इवनिंग वाले, मतलब कि इवनिंग वाले जो स्ट्रीम्स होंगे उसका लिंक, एंड मॉर्निंग दोपहर वालों का दूसरा लिंक है, तो मेरे को डीएम कर दीजिए, हम दे देते हैं आपको लिंक, आप ज्वाइन कर लीजिएगा जी, वहाँ पे आपको हम रजिस्ट्रेशन का भी सारा सीन बता देंगे। दो पे कर देना कर दिया ब्रो म्यूजिक बंद। आप आ रही होगी मेरी आवाज़? मैं बोल रहा था कि ये जो डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है वो इवनिंग वाले कस्टम्स के लिए है, एंड दोपहर वाले के लिए आपको करना पड़ेगा हमको डीएम, तो हम आपको देंगे एक लिंक, वहाँ पे वापस कर लेना इजी। डीएम कर दीजिए, हम आपको 77 का लिंक देते हैं जिसके ये दोपहर वाले हो रहे हैं, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं, हम आपको बता देंगे कैसे होता है रजिस्टर, सारा सारा इजी पीजी। नाइट ओपी भाई, यार ये T3 स्क्रीम था, ओपन कस्टम नहीं था, एंड चालू हो चुका है अब तो ये, एंड अगर आप रजिस्टर करवाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब लाइक तो आपने कर ही दिया होगा, डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड लिंक को ज्वाइन करें। हमको रोज़ खेलना, हमको रोज़ खेलना है, आपके पास टीम है अरमान भाई पूरी की पूरी? टीम है तो बताइए, रोज खेल सकते हैं आप, रोज रजिस्टर होता है, 11 बजे रजिस्ट्रेशन चालू हो जाती है इन मैचेस के दोपहर वालों की, आप करवा सकते हैं जी, बट आप बताइए आपके पास टीम है या फिर नहीं। टीम नहीं है तो वही उसका भी हमारे पास जुगाड़ है थोड़ा सा, हमको भी टीम के लिए बंदे चाहिए अपनी, तो भाई मिकी हमारी टीम के अंदर। हमारी टीम से खेल रहा अरे जिसको खिलाना खिलाओ ना, नहीं नहीं वो मैंने अभी देखा, मेरे को पता थोड़ी ना तो वो आएगा। हेलो तंत्र भाई। हेलो, हाँ बोलो भाई। दूसरे के स्लॉट में घुस गया था। अरे पता क्या है, मैच टाइमिंग होती है 1-2-3 शाम पे स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, ठीक है, तो आपको देख लेंगे, अगर नहीं कोई होगा फिर देखेंगे, पर अभी कुछ नहीं हो सकता, सारे फुल है अभी तो, देख लेंगे अभी, देंगे जब लॉबी कम हो जाएगी ना तब। आ जाऊंगा वैसे, कहाँ मतलब क्या कह रहे हो, आ जाओगे वैसे? आपका मेरे को यार समझ नहीं आ रहा, मतलब कि आप एक बार ऐसे कर सकते हैं कि डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लीजिए डिस्क्रिप्शन में, एंड आप एक बार ही वॉइस चैनल में आ जाइएगा, बात तो वीसी में आ जाइएगा इस मैच के बाद, तो हम बात कर लेंगे, आप मतलब कहना क्या चाहते हैं ना, आपको हम सारा सीन समझा देंगे, सारा सीन शॉर्ट आउट कर देंगे इजी।
हेलो भाई, मैं स्नाइपी पापा के फोन से हसलर को बता दो, बता रहे हैं पंकज जोशी, मतलब पापा के फोन से हसलर की स्क्वाड दिखाते हैं आपको। एलेक्स निशांत यहाँ पे भाई बंदों को नॉक कर चुके हैं, एलेक्स की टीम को भी एक बार देख लें, क्योंकि उतरते ही यहाँ पे बंदों की पहला पाली चालू हो चुकी है। एलेक्स निशांत ने यहाँ पे लॉर्ड की टीम के बंदे को नॉक किया एंड फिनिश कर रहे हैं उसको मिनी 14 के साथ। मेरी टीम 5 बजे आती है तो मैं आप लोग के साथ खेल सकता हूँ 1-2 बजे 3 बजे। हाँ जी भाई खेल सकते हो आप, बस एक बार ही ये मैच खत्म होने के बाद डिस्कॉर्ड पे आ जाएगा, आपको बता देंगे सारे। एंड पी एफ आर एफ के मटरू ने यहाँ पे STBRN के एक बंदे को कर दिया है नॉक एंड फिनिश। गौतम ने भी STBRN डेक्स ओपी को कर दिया है नॉक फिनिश। फिश मेरा फिश कर यार, तू फिश क्यों नहीं कर रहा? और ग्लोस्टर बचे हैं, देखते हैं ग्लोस्टर को हम, ग्लोस्टर बचे हैं, सरस भाई बचे हैं, डायमंड बचे हैं, डायरेक्स को खत्म कर दिए गए हैं यहाँ पे। लिंक एक बार चैट में दे दो, दे रहे हैं भाई। हाउ टू ज्वाइन इन कस्टम्स, पालश पर मानिक भाई कस्टम में ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, अगर आप इवनिंग के कस्टम खेलने जाते हैं तो उसका लिंक तो डिस्कॉर्ड में ही है, मतलब डिस्क्रिप्शन में ही है सॉरी। एंड अगर आपको चाहिए मतलब 77 का लिंक होता है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड लिंक को ज्वाइन कर लें, वो मतलब कि मेरे सर्वर का लिंक है, वहाँ पे आप हमको DM करिए कि हमको दोपहर वाले कस्टम खेलने हैं तो हम आपको दे देंगे 77 के लिंक जहाँ पे दोपहर के कस्टम्स ऑर्गेनाइज होते हैं। उतनी देर के लिए हम आपको पहले तो वो दे दें हमारे सर्वर का लिंक, हम चैट में ही डाल देते हैं। ग्लोस्टर भाई यहाँ पे हील करते हुए, एंड यहाँ पे हेलेक्स की टीम भी बंदों को नॉक करती हुई, हेलेक्स की टीम के बंदे भी नॉक पड़े हुए हैं। हेलेक्स वॉरियर नॉक है, रिवाइव दिया जा रहा है उनको, देखते हैं रिवाइव दे पाएंगे या नहीं। एंड हम चैट में भी डाल दिए हैं, एक बार डिस्कॉर्ड का लिंक देख ही आ गया होगा। एंड डिस्क्रिप्शन का भी लिंक हम चेंज कर देंगे भाई, और ये लीजिए डिस्क्रिप्शन का लिंक भी कर दिया हमने ज्वाइन, ओ मतलब चेंज। और यहाँ पे एलेक्स निशांत को कर दिया फिनिश, वॉरियर की एलेक्स वॉरियर बचे हैं एलेक्स के टीम के। एंड शैटर सामने थे, उनको मार सकते थे बट पीछे DBS से क्या ही वी डी डेड शॉट ने यहाँ पे क्या ही भाई वाइप किया है DBS के साथ स्क्वाड्स को। डैंग नॉक, आज जा रहा हूँ मैं यार असलर पे जा रहा हूँ, TSR SC अल्फा यहाँ पे ये रहे जो कि नॉक पड़े हुए हैं, इनके साथ कैप्ट गोश इनके टीम में रिवाइव देने के लिए आ गए हैं। टैंक बहुत दूर है यहाँ पे STBRN, ग्लोस्टर ने यहाँ पे PRF के गौतम को कर दिया है नॉक एंड फिनिश भी कर दिया गया यहाँ पे गौतम और मटरू को, और ये PRF की टीम को शॉटगन के साथ STBRN डायमंड ओपी ने किया अभी फिनिश, जो कि हमने देखा शो TO टीम, TO की टीम को दिखा दें, रुको दिखाते हैं हम TO की टीम को, रुको टीम नंबर अगर यार आप बता सके ना हमें, मतलब जो भी चैट में हमें बताते तो भाई वो थोड़ा सा बेटर हो जाता है, नहीं तो ढूंढ तो मिलेंगे ही। एंड ये रहे TA जेकर, और ये कार्नेटेड का पट से दिया गया है जॉर्ड के शिनरेक्स की तरफ से। एंड कैप की टीम ने यहाँ पे EZ आजो को भी कर दिया नॉक, एंड सारी की सारी टीम्स की यहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट्स होती हुई है। कैप की टीम को देखे तो भाई कहाँ पे होगी कैप की टीम अभी, ये रहे TXP की टीम जो कि सामने की तरफ बंदों को नॉक करने हैं। TSR टीम ETC लिए हुए बंदों को यहाँ पे नॉक किया जा रहा है TXP की टीम की तरफ से। ये कौन है भाई, मिस्टर ट्रम्प टाइलर भाई तुम कौन हो यार, आते ही ये देखो भचड़ कर दी तुमने। और ये रहे TSR SC अल्फा असला टैंक के साथ, AKM के साथ यहाँ पे TXP की टीम को कर दिया है नॉक TETC के बंदों ने, टीम ETC के बंदों यहाँ पे क्रिप्टॉन को कर चुके हैं फिनिश। एंड हम उनको मूव कर रहे थे, उनकी तरफ जा रहे थे बट ख़त्म हो चुके थे इसलिए मूव नहीं कर पाए। यहाँ पे TXP ऑगी बचे हैं, क्रोसबो के साथ हाथ में है, एंड मेरे को क्यों लग रहा है कि ये ऑफलाइन है। एंड
फॉल्स की टीम भी यहाँ पे फाइट हो चुकी है एंड देखे तो भाई फॉरएवर इसकी टीम के ये रही फॉल्स की टीम। फॉल्स प्लॉट यहाँ पे रॉक की टीम को कर चुके हैं फिनिश एंड अब चल चुके हैं आगे की तरफ। टी और टाइटन ने भी यहाँ पे बंदों को नॉक किया है एंड यहाँ पे टीम एफटी की टीम के भी बंदे एक बंदा नॉक पड़ा हुआ है जिनके ऊपर रश हुआ पड़ा है। नीचे की तरफ से ब्लीड की टीम का बीस्ट मिकी ने यहाँ पे टी ओ टाइटन को कर दिया है नॉक एंड क्या ही मतलब अलग अलग जगह पे फाइट्स होती हुई यहाँ पे जॉर्ड की टीम की फाइट होती हुई टी ओ की टीम के पास और देखे तो भाई बीस्ट मिकी वहाँ पे नॉक पड़े हुए। जॉर्ड मैट्रिक्स ने यहाँ पे अपने टीम मेट को उठा दिया है। टी ओ की टीम के देखे तो भाई कितने बंदे बचते हुए यहाँ पे टी ओ जोकर को देख रहे हैं अभी हम अकेले बचे हैं टी ओ जोकर इनके टीम के बंदों को खा लिया गया है गॉड और वॉट एंड मॉली करते हुए यहाँ पे टी ओ जोकर के ऊपर टी ओ जोकर नीचे कूद चुके हैं थोड़ी सी ये हो सकता है इनका गलत रेड है। ब्लीड की टीम ने यहाँ पे टीम एफ टी रघावा को किया भी नहीं और ये पता नहीं क्या ही कर रहे थे टी ओ जोकर एंड कर दिए गए हैं फिनिश यहाँ पे जॉर्ड की टीम की तरफ से। यहाँ पे टीम एफ टी की टीम के ऊपर चलते हैं एंड टीम एफ टी की टीम के ऊपर हम जाने ही वाले थे बट ब्लीड की टीम ने टीम एफ टी की टीम को भी कर दिया है फिनिश एंड बाकी की टीम्स को देखो तो यहाँ पे फॉरएवर की टीम भी अभी फाइट ले सकती है। सामने की तरफ उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की टीम है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की टीम के आई थिंक मैंने देखा था किल फीड में एक आधा बंदा इनका हो चुका था फिनिश एंड देखे तो रेक्स को यहाँ पे पिस्टल के साथ फिनिश किया गया था आई थिंक सो हमने देखा था जहाँ तक एंड ये भाई M164 का सरस भाई पता नहीं पीक फंस रहा है इनका भाई 4x का और फोर्थ फ्लॉट ने यहाँ पे HTBL एंड डायमंड ओपी को कर दिया है M416 के साथ नॉक। M164 भी चलती हुई यहाँ पे डायमंड ओपी वहाँ पे नॉक पड़े हुए हैं उनको भाई टैप टैप के साथ मारा जा रहा है एंड डायमंड ओपी को यहाँ पे M164 के साथ फ्लॉट की तरफ से कर दिया गया फिनिश। फोर्थ फ्लॉट ने किया उनको फिनिश देखते हैं फोर्थ फ्लॉट को हम आगे की तरफ बढ़ते हुए नई नई टीम आ गई है। ओ ये हमारी टीम भी पता नहीं देखते अभी क्या करती है भाई अभी हम चलते हैं हमने टीम को भी देखा नहीं अपनी टीम को अभी देखेंगे हम अपनी टीम को भी देखते हैं वो क्या कहते हैं मेरे को लगता है मर ना गए हो जिंदा है भाई मिकी खेल रहे भाई उनके साथ ग्रेवयार्ड में आई थिंक ये कहाँ पे हैं नहीं ग्रेवयार्ड है वाटर ट्रीटमेंट क्या एल पोजो है यहाँ पे 77 की लाइन अभी उतरी है भाई निकी को पता था कि यहाँ पे बंदे उतरेंगे इसलिए खुद को भी वहीं पे उतार लिया है एंड LF की टीम को देखे तो भाई टीम ETC की टीम की तरफ से कर दिया गया है नॉक इनको एंड वहाँ पे टीम ETC के बंदे आ रहे थे और AKM के साथ नॉक करने की कोशिश बट पाइथन ने क्या रिफ्लेक्स दिखाया पीछे से आ गया LF Spark ने एक बंदे को नॉक कर दिया बट वहाँ से M4 का स्प्रे आते हुए LF Spark को भी कर दिया गया फिनिश। यहाँ पे टीम ETC ने कर दिया LF की टीम को भी फिनिश एंड वहाँ पे देखे तो भाई फोर्स की टीम भी अंधा हो चुकी है सामने की तरफ रश कर चुकी है HTBL की टीम के ऊपर और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के ऊपर यहाँ पे रश हो चुका है सरस भाई और क्रोस्टर दो बंदे बचे हैं यहाँ पे एंड देखते हैं सरस भाई और क्रोस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि ये 2v4 की सिचुएशन है यहाँ पे क्या ही होगा अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की टीम क्या ही करती है देखते हैं। फॉल्स वायरस यहाँ पे बहुत डैमेज है सरस भाई अगर वहीं पर टी पी भी लेते रहें तो शायद से एक बंदा नॉक कर सकते हैं ग्लोस्टर के पास HP नहीं है एंड वहाँ पे नेड आया था बट ग्लोस्टर वहाँ से निकल के इधर आ चुके थे एंड हम थोड़ा सा ड्रोन व्यू से देखे तो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे कहाँ से रश हो रहा है कहाँ से नहीं और देखे तो भाई ये रही फोर्ज की टीम जो कि मतलब रश कर रही अंधा रश हो रहा है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की टीम के ऊपर। शरद भाई को देखते हैं जल्दी से सरस भाई टी पी भी लेते हुए और यहाँ पे लिंक्स भाई ऊपर की तरफ पहुँच चुके हैं अब देखते हैं अब क्या होगा यहाँ पे और ये पहुँच गई ऊपर फौज की पूरी टीम और भाई AKM के साथ एक बंदे को नॉक किया प्लॉट ने बहुत डैमेज दिया एंड ग्लोस्टर को वहाँ से भाई दूसरी तरफ से आके लिंक्स ने भाई कहाँ से ले लिया ऊपर से आके भाई लिंक्स ने मेरे को लग रहा है टिप्स एंड ट्रिक्स यूज़ किए हैं जिसकी वजह से वो ऊपर से आके ईजिली ले गए थे यहाँ पे HTBL की टीम को कर दिया उन्होंने फिनिश। बैरो की टीम के यहाँ पे बंदे नॉक पड़े आए ना फ्यूरी यहाँ पे जोन के साथ ख़त्म हो चुके हैं यार ये टीम है ना इनके फ्यूरी भाई जोन से ख़त्म हुए हैं यहाँ पे भाई टीम 7 ने किया हुआ है बैरो ट्रैक्स के ऊपर पीछे से जोनसन भाई देखते हैं बचा पाएंगे या नहीं एंड ट्रैक्स भाई को देखे तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है ट्रैक्स भाई को फिनिश नहीं किया जा रहा अभी भाई उनको मतलब तड़पाया जा रहा है आई थिंक सो कि वो कोशिश करें अपनी टीम मेट के पास जाने की एंड देन उनको धर लिया जाए यहाँ पे हसगढ़ की टीम है
और ये कर दिया है पैरो ट्रैक्स को फिनिश। TSM जोनाथन पीछे की तरफ आ चुके हैं सामने। हसलर की टीम, हसलर की टीम को देखे जरा हम, कितने किल किए हैं, 5 किल किए हैं इन्होंने। ए, ए? और ये नाच रही है यहाँ पे। भाई और हम देखे जरा हमारे बंदों को कहाँ है, हमारे बंदे ये रहे पंजाब वॉरियर्स की टीम। और देखे तो भाई 77 की टीम जो जोन के बाहर है उनको देखते हैं जरा। तो उनके अंदर आते हुए मोना है, यहाँ पे फ्लेम है, और जूबा है, यूस है। मोना को खिलवाते हैं, मोना को स्ट्रिंग स्नैप करवाएं क्या। ये रही मोना बैंडेजेस लगाते हुए आगे इधर बढ़ते हुए। लाइव कब तक रहोगे ब्रो? मैं लाइव रहूँगा 4 बजे तक, 4 बजे तक लाइव रहूँगा। वैसे हम आप आइएगा इस मैच के बाद, हम शायद से आपको अगला मैच खिलाएंगे अपनी टीम से, एक तरह का ट्राई आउट हो जाएगा ये। फॉरएवर की टीम यहाँ पे भाई पिकार्ड हो गया अंदर। बाकी गिनीज को देखा तो यहाँ पे जोन में लगभग लगभग आधी टीम हैं, आधी टीम जो जोन के बाहर हैं। भाई फाइट ही नहीं हो रही अभी तो कहीं, भाई फाइट करो जल्दी से, हम देखना चाहते हैं यहाँ पे। भाई 77 की टीम को देख के आगे की तरफ बढ़ रहे हैं ना, जो शायद से इनका जोन में जाते फाइट हो जाए। एक ही गाड़ी में जा रहे हैं, आई थिंक उतर भी सकते हैं। फॉल्स केम है यहाँ पे क्या है, एक बंदे को नॉक। ये रही फॉल्स की टीम, रश कर चुकी आगे, ब्लेड की टीम को कर दिया इन्होंने फिनिश। वहाँ पे एक नाइट से पड़ते हो, इनको फायर और नॉक हो चुके हैं अपने ही आप को गाड़ी के साथ फोड़ के। यस ब्रो पंकज जॉन भाई असलर इज अलाइव, अभी हमने देखा उनको। ये रही असलर, मेरे को लग रहा है यहाँ पे Team 23 के अच्छा एक्सट्रीटी की टीम है। और क्या ही लेटे हुए हैं यहाँ पे साइरस भाई, देखते हैं इनको। बेस्ट गेम प्ले देने की कोशिश करूंगा। हाँ हाँ भाई कोई बात नहीं, देना तो यहाँ पे फॉरएवर की टीम ने पीछे से आके कर दिया XUT के क्रिशॉक को नॉक। हमने तो देखा ही नहीं कि फॉरएवर की टीम भी यहाँ पे आ चुकी है। फॉर्ज फ्लैक ने यहाँ पे भाई हमारी पंजाब वॉरियर्स के भाई वार्ड लूसीफर को कर दिया भाई नॉक। XUT की टीम की यहाँ पे फाइट हो चुकी है, एंड यहाँ पे भाई क्या ही टीम्स की फाइट हो रही है। अलग अलग टीम्स की भसड़ होते हो यहाँ पे।
एम्पायर डीयू ने यहाँ पे भाई टीम 23 के बंदों को एंड वाले बंदे एक्चुअली के बंदे को कर दिया फिनिश। यहाँ पे मिकी को भी फोर्स की टीम की तरफ से कर दिया गया नॉक फिनिश से। डीयू बचते हुए अकेले यहाँ पे देखते हैं डीयू को। और एक बंदे को नॉक किया बट पीछे से फोर्स फ्लॉट ने क्या ही कवर दिया एंड कर दिया फिनिश यहाँ पे पंजाब और उसकी टीम को। यार बंदे ही नहीं आए यार, दो ही बंदे आए। पर अब सुनील यहाँ पे निकलते हुए पीछे से कवर आया 77 की टीम की तरफ से शायद से। गाड़ी फूटने वाली है इनकी बट पता नहीं क्यों स्प्रे रोक दिया गया था वहां पे उनकी तरफ से एंड बख्श दिया गया शायद इनको। मोना आगे की तरफ बढ़ती हुई अरमान भाई हमारी टीम अब गई लॉबी में गई। आईडी पास कैसे मिलेगा? आईलाइट गेमिंग वाईटी भाई ये टीचर स्क्रीन में आजकल रजिस्टर करवाना पड़ता है उसके बाद आईडी भी आपको लॉज मिल जाता है। मेरे को लाइनअप चाहिए था भाई, आ जाइए आपका हम ट्रायल ले लेंगे अगले मैच में लाइनअप के लिए। मोना ऑफलाइन हो गई क्या? फौज की टीम को देखते हैं गाड़ियों से घूम रहे हैं शायद से बंदे मारे हैं। 8 किल कर चुके हैं अभी तक ये। भाई रश हो तो थोड़ा सा मजा आए क्योंकि बोरिंग हो जाता है मैच अगर रश नहीं होता है तो। अरे भाई भाई मतलब वो यार पता क्या हुआ, आज दो ही बंदे थे तो मैंने क्या किया कि जो भी दो बंदे मेरे पास एक्स्ट्रा जो कह रहे थे कि हमको खेलना तो मैंने उनको खिला दिया। कैसे आऊँगा बोलो। हाईलाइट गेमिंग वाईटी भाई आप अगर डिस्कॉर्ड चलाते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्कॉर्ड लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, हम इस गेम के बाद आपके बात करेंगे। एंड अगला जो होगा 3 बजे वाला कस्टम जो 3 बजे चालू हो जाता है एग्जैक्ट उसका आईडी भी हम आपको देंगे एंड उसमें आपका एक तरह का सॉर्ट ऑफ ट्रायल लेंगे। मेरा स्क्वाड मेरी स्क्वाड लगाई आयुष पॉडर भाई कौन सी आपकी स्क्वाड कौन सी कौन सी आपकी स्क्वाड लगाई क्या कह रहे हो हमको समझ नहीं आया। एंड अब थोड़ी सी आई थिंक शांति से हो चुकी है बट ETC की फाइट हो चुकी है यहाँ पे VD की टीम के साथ। एंड यहाँ पे भाई देखते ही यहाँ पे ETC थोरोपी को कर लिया गया स्पॉट एंड इनके डैमेज भी हुए हैं सामने की तरफ टीम 11 पूरी की पूरी। यहाँ पे टीम ETC भी आगे तरफ बढ़ रही थी बट हिटमैन को बहुत तगड़ा डैमेज पड़ते हुए यहाँ पे ले गई बकाटी मेरी स्पॉट ले गई अच्छा अच्छा आपकी स्पॉट वो थी ना आई थिंक वो क्या बोलते हैं नाम बताना एक बार मैं ज्वाइन कर लिया ब्रो। ओके हाईलाइट गेमिंग वाईटी भाई इसी मैच के बाद मैं आता हूँ कम्युनिटी VC होगा वहाँ पे देखो उसमें आऊँगा मैं। एक तो यार छाला हो रखा है मुँह में बोला भी नहीं जा रहा। बाकी की टीम्स को भी देख रहे हैं हम। जिंदगी हसी मेरे नाल बड़ा
ब्रो 2 बजे नहीं होगा क्या ब्रो? 2 बजे, 2 बजे वाला ही है ब्रो। आयुष पॉडर भाई, अरमान एक डबल एक्स वाई टी भाई, बात करते हैं। हाँ भाई करते हैं, दो में आओ बात करते हैं। अच्छा 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 तू एमटी है, ओके मैं एक्सपेक्टेड कर रहा हूँ ब्रो, फिर बात करते हैं। या हाईलाइट गेमिंग वाई टी भाई, और ये हमको कॉल आ गई यार। एंड आप देखो यार, 2 मिनट ये टीम मीटिंग की फाइट हो रही है, यहाँ पे बंदे नॉक पड़े हैं इनके। हम उतनी देर कॉल थोड़ी सी अटेंड कर लें, किसी पाइथन को देखने पे लगा जाते हैं हम। हेलो जी,
हेलो भाई, कर लिया हमने माइक ऑन। हमें कॉल आई थी, बता के गए थे हम थोड़ा सा, एंड वहाँ पे 77 मोना जोन से नौ कोई रखी है, एंड आई थिंक रिवाइव नहीं हो पाएंगी। 77 मोना नहीं रही गेम में। फ्लेम बचे हैं अकेले, देखते हैं यहाँ पे भाई क्या करते हैं ये फ्लेम, आग लगाएंगे या फिर आग लग जाएगी इनको, देखते हैं इसी के साथ फ्लेम को हम। फ्लेम आगे तरफ बढ़ते हुए सामने की तरफ, जॉर्ड की टीम जोन की तरफ निकलते हुए, टीम आईएनएफ का बंदा भी यहाँ पे जोन के एजिस पे है, और फुल जूम करते हुए हम देखते हैं फोर्स की टीम को जो कि जॉर्ड की टीम के ऊपर फायर दे रही है। नहीं यहाँ पे भाई फ्लॉट भाई के तो अलग ही सीन है, अपनी टीम से अलग ही फाइट नहीं ले रहे हैं ये सामने वाली टीम से, लेट ही हुए थे यहाँ पे भाई। सामने की तरफ सिग्नल सोसाइटी की स्क्वाड भी पहुँच चुके हैं जोन के थोड़े से एजिस पे, जॉर्ड की टीम आगे की तरफ है, एंड यहाँ पे फोर्स की टीम को फायर दे रहे थे, जॉर्ड की टीम देख लिया गया राइट सोसाइटी की तरफ से, फ्लेम को कर दिया गया है जोर की टीम की तरफ से फिनिश। और ये जोर और वॉट यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, एंड अगर वाईटी की टीम अभी इनके ऊपर रश करती है तो भाई थोड़ा सा इनको होने वाला है बेनिफिट, बेनिफिट होने वाला है यहाँ पे भाई। बग्गी की आवाज़ आ गई होगी जोर की टीम को, एंड शायद से अब इनका ध्यान भी थोड़ा सा दूसरी टीम की तरफ भी जाए भाई। अभी तो 2 बजे हैं, तो कैसे ये 2 बजे वाला है ब्रो? ब्रो वही 2 बजे चालू होता है, अभी तो 2:32 हुए ना, 2 बजे चालू होता है जो मैच, उसको 2 बजे वाला बोलते हैं, इसके बाद 3 बजे वाला होगा। और जॉर्ड मैट्रिक यहाँ पे गाड़ी में बैठ गए हैं, रात में भी आते हो क्या ब्रो? ब्रो रात में यार एक्चुअली यार अभी ना फुल टाइम गेमर नहीं बने ना, नहीं तो रात में भी आ जाते। अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं कि थोड़ा सा हमें फाइनेंशियल भी तो चाहिए ना, पैसा आएगा कर तभी तो लगेगा, पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। एंड यहाँ पे टीम आईएनएफ का बंदा घुसते ही भाई एक बंदे को खा गया भाई फोर्स के, एंड अब तो भाई वहाँ पर टीम आईएनएफ डेविल को कर दिया गया फिनिश फोर्स की टीम की तरफ से, और वायरस को यहाँ पे बहुत तगड़ा डैमेज पड़ता है वहाँ से। एंड फोर्स की टीम के पास अब थोड़ा सा बहुत थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा एडवांटेज जोन का, एंड स्मोक करके वहाँ पे पेटी लूटेंगे फोर्स वायरस भाई शायद से। इराटोस वाईटी को यहाँ पे कर दिया गया नॉक एंड फिनिश जॉर्ड मैट्रिक्स की तरफ से। अरमान भाई हमें अगर मिलता है कोई स्पॉन्सर तो हम भाई सोचेंगे भाई, रात को क्या भाई पूरा दिन लाइव बैठे रहेंगे, पैसा आएगा तो दिक्कत कहाँ आ रही है। ब्लैक ही वाईटी को हम यहाँ पे जॉर्ड की टीम की तरफ से नॉक कर दिया, सिग्नल वाईटी अकेले बचते हैं, उनको देखते हैं आगे की तरफ जाते हुए, और जॉर्ड मैट्रिक्स आए ऊपर से, और ये भाई एम4 का स्प्रे देकर डैमेज दिया, क्या ही हक रहे थे भाई ये। एंड अब तो भाई साफ दिख रहा है कि चिकन किसका, फोर्स की टीम का यहाँ पे भाई इजी चिकन हो सकता है, जोन का एडवांटेज भी उनको है। एंड देखते हैं यहाँ पे भाई फोर्स के लिंक्स भाई आगे की तरफ बढ़ चुके हैं, जॉर्ड और वॉट आगे की तरफ बैठे हुए थे, और ये आए नेड यहाँ पे अनपिन कर लिया गया, फेंक दिया गया आगे की तरफ जोर की टीम के ऊपर, 2 नेड फेंक दिए गए हैं। और मेरे को लग रहा है मैट्रिक्स यहाँ पे नॉक हो सकते हैं, जोन के बाहर फाइट, और ये क्या भाई फोर्स लिंक्स के आगे जस्ट नेड था बट पीछे से उठ के साथ ही चले गए हैं टाइम पे, एंड जोर की टीम जोन के बाहर होने की वजह से हो चुकी है यहाँ पे ख़त्म। भाई ये चालू तो 1:30 पे को हुआ है, तो ये 2 बजे वाला कैसा है ब्रो? अरमान भाई ये 2 बजे चालू हुआ था एग्जैक्ट 2 बजे ब्रो, 3 बजे का कौन सा मैप है वो? इरेंगल ही होगा क्योंकि ये अगर मीरा मार था तो इरेंगल ही है 3 बजे वाला मैप। आ जाओ भाई जिसको ट्राई आउट देना है वीसी में आके हमसे बात कर लो। आ जाओ कम्युनिटी वीसी बैठे हुए हैं हम, आ जाओ डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कम्युनिटी वीसी में आ जाओ।
too late, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet. I'm coming back.
too late, begging on the floor for me. I'm not the same, I'm standing on my own two feet.
Begging on the floor for me. I'm not the
the same. I'm standing on my own two feet. I'm taking back my life. All you did was use it. You break it, you lose it. Sorry, your time is up. Now I'm coming back to life. I'm taking back my life.
हेलो तो हाँ बोलो भाई बोलो
अरे आप लोग गेम पे नहीं थे ना इसीलिए। अच्छा मैं तो गेम में होऊंगा ही नहीं, मैं ये करता हूँ ना स्ट्रीम करता हूँ, कास्ट करता हूँ मैं। और कहाँ उतरे हो तुम? यानी यहाँ पे भाई उतरते ही लीगेसी बुलेट को कर दिया गया नॉक शॉटगन के साथ। और यहाँ पे वाटर सिटी में उतरी है पंजाब, जो इसकी स्क्वाड, इनके सामने एक पूरी की पूरी स्क्वाड है जो कि है ईजेड की एंड ईजेड कलान यहाँ पे भाई अरमान के बिल्कुल पास में है। फॉरएवर की टीम भी यहाँ पे बंदों को M164 के साथ नॉक करती हुई, फॉरएवर की टीम के भी वहाँ पे बंदा नॉक हो चुका, फॉरएवर नील भाई नॉक पड़े हैं हमारे यहाँ पे एंड एक्स बॉय ने कभी तक बचे हुए हैं। ब्लैक वाइटी ने यहाँ पे भाई LF जॉर्ड को कर दिया नॉक और फॉरएवर एक्स बॉनिक अकेले बचे हुए यहाँ पे फिनिश कर दिया उन्होंने टीम 14 के एक बंदे को। और ये एक्चुअल के साथ नॉक करने की कोशिश कर रहे थे बट कर नहीं पाए, DDS लेकर आए टीम 14 के बंदे और कर दिया यहाँ पे फॉरएवर की टीम को ख़त्म। ईजेड की टीम का यहाँ पे बंदा एक रोटेट मार के जाता हुआ, आई थिंक ये जोल सो मतलब गॉड हाउस में जाएंगे बट इनके टीम के बंदे अभी तक यहीं पे FK एंड ईजेड आजू आई थिंक यहीं पे अभी, जो कि आगे की तरफ नॉक निकालने की कोशिश करेंगे शायद से सामने की तरफ जो अरमान हैं उनको शायद से नॉक निकालने की कोशिश करेंगे उनके दिखते हुए अरमान यहाँ पे थोड़े से ईजेड आजू आगे की तरफ बढ़ते हुए। और यहाँ पे कुछ नहीं करते दिख रहे हैं, और यहाँ पे 19 नंबर की टीम जो है यहाँ पे कुछ नहीं करती दिखाई दे रही है, अभी बंद करते माइक। और ये एज आजो दरवाज़ा आर पर पता नहीं क्या कर रहे हैं।
अच्छा दरवाजा चेक कर रहे हैं कि ये खुलता है कि नहीं खुलता है। उनके सामने ये टीम नंबर 10 दीवार के पीछे बैठे हैं। और ये टीम नंबर 10 टट्टी करने की कोशिश कर रहे हैं जो इनसे नहीं हो पा रही है। बहुत ही वाहियात गेम प्ले चल रहा है यहाँ पे हर टीम की तरफ से। ये देखिए अकेले ही पता नहीं कहाँ गोवा बीच जा रहे हैं। वो दिखता ही नहीं पाया कुछ, वो आ गया। और इनका अलग ही मैच चल रहा है। ये फेरी फेरी फ्रेंच फ्राइज खाने जा रहे हैं टीम नंबर 7 के पास। वह 7 ही है ना, तो कुछ हो रही है। आइए किसी और को देखते हैं। इतना बेकार मैच दिख रहा है यहाँ पे। 0-0 किल, हर एक टीम 0-0 किल लेके बैठी है। सिर्फ दो चार प्लेयर ही हैं जिन्होंने एक एक किल है। और ये इनकी फाइट चलती ही धुई सेकते हुए। टीम सी हो। और ये इनकी फाइट चल रही है, एक बंदा इनका नॉक कर दिया गया है। और ये हम पे बहुत ही अच्छा आईक्यू लगाते हुए, ये क्या गंदा आईक्यू। और वो टीम नंबर 10 को जा। आइए देखते हैं टीम नंबर 10 का माहौल क्या चल रहा है। और पता नहीं किन के बीच में फाइट चल रही, उनका यह टीममेट नॉक कर दिया गया है। ओ ये पूरी टीम घायल करते हुए। किन्ने आया एज कलैणी की लिखा है। और ये 19 टीम की तरफ से एज कलैणी ने टीम पूरी स्कोर खाते हुए नाम ही इधर। अच्छा कलाना आइए किधरों। अच्छा आइए किसी और टीम को देखते हैं। आइए देखते हैं अब वो इधर फाइट चल होगी। फेरी पायर जाके जा, आइए फेरी पायर चलते हैं। उन्हें दो टीम बना तो फाइटा हो गई। अरे इन्ना जी तो कह रहे हैं फायर ही फायर। पूरे मैप पे सन्नाटा छाता हुआ। यहाँ पे खेतों में टट्टी करने की कोशिश।
आगे अपना भी तो बदल गया। और यहाँ पे कहीं पे फाइट चलती हुई, वो एक तो फाइट हो रही है, नाम आया मैंने। क्या की लिया? देखी कल ही कितने घूमी जाते आ देख पानी दे चल रहे हैं भैया। लो भाई आ गया वापस में। हैं? चल ठीक है, आ गए वापस भाई। नहीं भाई वो बढ़िया खेलता है एक्चुअली, पूरी भाई बढ़िया खेलता है वो। एंड यहाँ पे देखे तो भाई अच्छी बियर था, उसने बहुत अच्छा स्प्रे दिया था देख से, बट गोली अटैच नहीं हुई। और ये फोटो तेजू को जल्दी गाड़ी से उतार लिया गया मार्की की तरफ से, पर एवरेज पवन पीछे पीछे जा रहे हैं, उनको भी डैमेज है। और मुझे बग्गी के टायर को फोड़ गया पवन को, गाड़ी से नीचे कूदे और पवन यहाँ पे ब्रिज से नीचे गिर चुके हैं। रोटेशन को घूमना बोल ऐसे ही है भाई वो, एक्चुअली वो खेलता बढ़िया है, उसको खिलाएंगे किसी दिन हम अपनी टीम से, वो एक्चुअली जाता है ना भाई। और यहाँ पे एस टी बेरन सरस आगे की तरफ पड़ते हुए पूरा फिर की टीम का पवन भाई यहाँ पे पानी में कूद के नीचे की तरफ बैठे हुए हैं। सामने की तरफ कुश भाई हैं जो कि टीम 25 से हैं, जो कि हैं फॉर एवर एक्स पवन के टीममेट। एंड यहाँ पे इनको पड़ रही है राइट से किसी टीम से, एंड क्रेजी एएफ की तरफ से इनको पड़ती हुई टीम 24 के क्रेजी एएफ यहाँ पे मिनी चलाते हुए 8x लगा के पूरा। और यहाँ पे सामने गाड़ी के ऊपर स्मोक कर ली गई है कुश भाई की तरफ से, बट एक गोली एंड में जो चली क्रेजी एफ की तरफ थी वो अटैच हो गई थी यहाँ पे कुश भाई की तरफ से। एंड यहाँ पे क्रेजी एफ जो है गाड़ी फोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से TXP की टीम भी आ चुकी है जैसे कि हम देख रहे हैं। एंड सारी की सारी टीम्स को भी इस ब्रिज से क्रॉस करना है, यहाँ पे ब्रिज पे बहुत तगड़ी भसड़ होने वाली है। और फॉर एवर के क्रेजी एफ यहाँ पे भाई 77 मोना के साथ खेलते हुए, मेरे को क्यों लग रहा है कि आज ये भाई हैं। नेक्स्ट मैच कब होगा हाईलाइट गेमिंग YT भाई, ये तो T3 लास्ट मैच था T3 का। एंड यहाँ पे देखे तो PBX1 मनु को कर दिया गया ख़त्म, और PBX1 मनु नहीं सॉरी STBRN के सरस भाई को यहाँ पे कर दिया गया फिनिश। एंड सामने की तरफ फोर्स प्लॉट हैं, एंड M24 का यहाँ पे पीक निकाल के डेमन भाई बैठे हैं। एंड उधर स्मोक की गई है फोर्स प्लॉट के ऊपर ताकि जा सके वहाँ पे PBX1 मनु, यहाँ पे ऊपर चढ़े हुए हैं PBX1 मनु को देखते हैं हम जो ब्रिज के ऊपर चढ़े हुए हैं। देखिए तो PBX1 मनु को ये रहे, और ये स्टारल का स्प्रे देखे डासिया को किया थोड़ा सा डैमेज, डासिया को फोड़ देना चाहिए आई थिंक इनको, जो कि मुश्किल पैदा कर सकती है STBRN की टीम के लिए। एंड यहाँ पे बैरो की ईस्ट भाई को कर दिया गया है PRF की टीम की तरफ से नॉक, देखते हैं ये रहे बैरो की टीम, जहाँ पे बैरो ईस्ट को कर दिया गया है PRF की टीम की तरफ से नॉक। तब वही कब से होगा ब्रो बता देंगे हाईलाइट गेमिंग YT भाई यार, आपको आप VC आ जाना अभी इस मैच के बाद आ जाना VC, हम आपको अपने साथ खिलाएंगे स्ट्रेटजी समझाएंगे। बैरो दादा YT यहाँ पे नॉक पड़े, बैरो दादा YT यहाँ पे बचाने की शायद से कोशिश करेंगे या नहीं, बट यहाँ पे भाई बैरो ट्रैक्स भाई जो है आई थिंक सीधा जाएंगे बैरो ईस्ट के ऊपर ताकि उनको रिवाइव कर सके। और PRF की टीम अगर यहाँ पे रश कर देती है तो बैरो की टीम यहाँ पे भाई बैरो ट्रैक्स भाई भी हो सकते हैं यहाँ पे नॉक। आज और नहीं होगा क्या? नहीं ब्रो अरमान भाई आज और नहीं होगा, आप ही हो ना अरमान भाई हाईलाइट गेमिंग वाली टीम। हेलो आवाज़ नहीं आ रही अरमान भाई तुम्हारी। हेलो हेलो मैं विलेन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो ब्रो आज और नहीं होगा फेस्ट।
नहीं ये तो T3 वाला तो लास्ट था, वैसे हम खेलेंगे इसके बाद देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम मतलब अभी और खेलोगे क्या? हाँ हाँ खेलूंगा इसके बाद में। तो भाई स्लॉट होगा कि मतलब कल होगा फिर? आज कल तो आज वाले तो 4 बज जाएंगे ना, अभी तो 3 से 4 वाला लास्ट होता है, 3 होते हैं T3 इसके, बाकी फिर इसके बाद मैं सर्वर अपना सेटअप करूंगा ये, ताकि हम भी फिर शाम वाले ऑर्गेनाइज करवाएंगे। तो फिर शाम वाले के लिए क्या करना पड़ेगा? वो तो आप अपनी टीम को ले आना ना, आपकी टीम है ना, शाम को तो आपकी टीम आ जाती है आप कह रहे थे ना। नहीं मेरी शाम को मेरी मतलब मेरी टीम ही नहीं है, मैं अभी मतलब फर्स्ट ओके 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 हां तो मेरा ये फर्स्ट मैच था स्क्रीन पर पूरा लाइफ का। अच्छा भाई मैं नॉर्मल क्लासिक से खेल रहा था, फिर सोचा स्ट्रीम चालू करूं। आप ना इस अभी खेल तो सकोगे ही, आप इस मैच के बाद आना, हम मतलब इकट्ठे खेल के ना एक स्ट्रेटजी सी बनाएंगे। जरा जीरो एक्स को दिखाओ, दिखा रहा हूँ जीरो एक्स को, यहाँ पे जॉर्ड की टीम की फाइट हुई थी एंड जॉर्ड सेंड्रेक्स नॉक पड़े हैं, बीस्ट मिकी अकेले बचे हुए हैं। बीस्ट मिकी यहाँ पे भाई क्या ही पोजीशन में बचे, जेनॉक्स ऊपर से आई थिंक बीस्ट मिकी को देख लेंगे, और बीस्ट मिकी बचने की पूरी पूरी कोशिश करते हुए, बट थोड़ा सा डाउन रिच का इनको थोड़ा सा नुकसान हुआ एंड ब्लीड की टीम ने आगे यहाँ पे जॉर्ड की टीम को कर दिया फिनिश। एंड वहाँ पे देखे तो भाई टीओ एंड जियो जीरो एक्स की भी फाइट हो रही है, जीरो एक्स को दिखाते हैं हम भाई, हमें थोड़ा सा मांगा गया गोस्ट मैक्स की तरफ से कि जीरो एक्स को दिखाओ। और ये क्या हम टाइटन की टीओ की टीम के ऊपर ऑटोमेटिकली मूव हो गए गलती से, एंड देखे तो जीरो एक्स क्राकेन भाई जोन के बाहर है, क्योंकि तरफ स्मोक करके जोन में जाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरएवरएक्स पवन ने यहाँ पे एसटीबीएन के टीम के एक बंदे को कर दिया नॉक। फॉरएवरएक्स पवन देखे तो भाई अच्छा नीचे कूदे थे शायद से भाई एसटीबीएन के टीम मेट, एंड बैरो दादा वाईटी ने यहाँ पे भाई 77 मोना को कर दिया फिनिश, 77 मोना की टीम को कर दिया गया यहाँ पे फिनिश, जो कि टीम 24 से खेल रहे थे विलन ओपियन 77 मोना। एंड देखते हैं फॉरएवरएक्स पवन को यहाँ पे दोबारा से स्कारल चलाते हुए यहाँ पे पवन भाई। एंटीओ टाइटन ने यहाँ पे राइजर को कर दिया नॉक, ये देखिए जीरो एक्स के राइजर भाई यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, एंड ओ एक्स फिनिक्स भी यहाँ पे नॉक हो चुके हैं, जीरो एक्स के फिनिक्स भाई भी टीयर लैक्स आगे की तरफ बढ़ते हुए। टीओ टाइटन यहाँ पे कवर ले रहे थे पर पीछे से कवर आया और टीओ गाय को टीओ टाइटन को सॉरी यहाँ पे नॉक कर दिया गया है, टीओ गाय ने वहाँ पे फिनिक्स को कर दिया है नॉक। टीओ गाय को देखे तो टीओ गाय को भी यहाँ पे कवर दे दिया है, कराकेन ने आके एंड कर दिया है, खत्म नॉक कर दिया गया। जोकर बचे हैं अकेले जो कि पीछे की तरफ हैं एक एम का अंदाज स्प्रे देते हुए। देखते हैं यहाँ पे यूएस लेके टीओ जोकर टीओ गाय को छोड़ के यहाँ पे निकल चुके हैं जोन की ओर, एंड इसी का फायदा उठाते हुए जीरो एक्स की टीम के बंदे एक दूसरे को रिवाइव दे के वो भी जोन की तरफ निकल पड़ेंगे। पीआरएफ के बंदों ने भी यहाँ पे फाइट ले रही है, एंड यहाँ पे टीम आईएनएफ के डेविल को नॉक कर रखा है पीआरएफ के बंदों ने, एंड वहाँ पे वो फिनिश हो चुके हैं, इसलिए हम प्यूरी को देखते हैं जो कि टीम आईएनएफ के एंड वाले बंदे बचे हैं। 2v4 खेल रहे थे ये टीम आईएनएफ के, ये एंड वाले बंदे बचते हुए पीछे पीछे आईएनएफ फ्यूरी पीछे पीछे मूव करते हुए, एंड अभी ओएक्स की जीरो एक्स की टीम के पास चलो गाड़ी है इसलिए भाई इजी जोन में आ जाएंगे बग्गी में बैठ के, बट इनका एक टीम मेट उसको बाद में लेने आना पड़ेगा यहाँ पे। बट देखा जाए तो बग्गी का भी एक टायर पंचर है तो बग्गी भी बहुत ही ज़्यादा स्लो चलने वाली है, इससे तेज़ तो भाई क्राकेन भाई पैदल जा रहे हैं, बट आखिरकार बग्गी ने पिकअप पकड़ लिया है, निकल लेंगे जोन के अंदर ये। और अगर एक पवन को देखे तो ये फंस चुके हैं इस वक्त क्योंकि नीचे की ओर हैं और ऊपर टीम्स ही टीम्स हैं, PBX1 मनु फोर्स की टीम है ऊपर, एंड STBRN के रेक्स ओपी भी वहाँ पे लेफ्ट वाले घरों में पहुँच चुके हैं, एंड यहाँ पे आई थिंक फोर्स की टीम निकल रही है आगे की तरफ जोन के अंदर क्योंकि उनको लग रहा है कि अब तो कोई आने वाला नहीं है। एंड मार्की को देखे तो मार्की ऊपर ही लेटे हुए हैं, अभी पीछे की तरफ देख रहे हैं कि पीछे से अगर कोई स्क्वाड आए तो उसको ले लें इजी। कुछ को देखे तो अकेले खेलते नहीं, कुछ जो फॉरएवरएक्स पवन के टीममेट हैं वो भी भाई तैरते तैरते आ रहे हैं जोन के अंदर, सही है। एंड PBX1 मनु ने यहाँ पे कर दिया है आगे की तरफ TXP के बंदों को नॉक, एंड यहाँ पे फोर्स प्लॉट भी उनके साथ हैं। फोर्स प्लॉट
और एपीबीएक्स और मनु ने यहाँ पे नेट के साथ टीएक्सपी की टीम के दो बंदों को ले लिया एक ही नेट के साथ एंड कवर देते हुए पीछे से। भाई टीएक्सपी रेगॉन को डैमेज दिया था, नॉक कर दिया फोर्स फ्लॉट ने। आखिरी बंदे बचते हुए जोन के बाद टीएक्सपी वाला चैम कारल का स्प्रे एंड कर दिया गया यहाँ पे फिनिश। देखें अब भाई एस टी पी रन मार्की को जो कि भाई बैठे हुए थे यहाँ पे शायद से जोन में निकलने की अब सोच लेंगे या चल पड़ेंगे जोन के अंदर, देखते हैं अब। बट जोन के अंदर जाते हुए इनको सामना करना पड़ेगा किसी का भी नहीं, बट डेक्स्टर जो हैं जो पहाड़ी के ऊपर चढ़े हुए हैं एंड शायद से देख लेंगे यहाँ पे जब आएंगे एस टी पी रन की टीम के भाई मार्की भाई अगर ईजी आ सकते हैं अब जोन के अंदर। एंड नीचे कूदाने की गलती कर रहे हैं गौड़ी को क्योंकि नीचे ही फॉरएवर के कुश और पवन भाई हैं एंड वो देंगे इनको स्प्रे अंदर। पवन और कुश भाई को देखे तो ज़रा पीछे की तरफ मार्की आ चुके हैं यहाँ पे गाड़ी को डाके एंड अब चाहें तो फॉरएवर एक्स पवन की टीम भी जा सकती है उधर एंड डीपी के साथ यहाँ पे कुछ को पड़ा एंड नॉक एंड फिनिश कर देंगे मार्की भाई यहाँ पे फिनिश कर चुके हैं। पवन भाई यहाँ पे देख रहे थे, पवन भाई का दिखे नहीं, पवन भाई डीपी भी लेते हुए देखते हैं मार्की को ले पाएंगे या नहीं। यहाँ पे गाड़ी लेके भाई स्टीवी एरन की टीम के टीममेट आते हुए बचाने के लिए उनको पीआरएफ के सोरोन भाई ने आई एंड फैंटम को कर दिया नेट के साथ फिनिश। मार्की को यहाँ पे उठा के ले जाओ और ये मार्की को चलती गाड़ी से उतार लिया गया फॉरएवर एक्स पवन की तरफ से एंड रेक्स ऑफिस शायद ही बचा पाए इनको। फॉरएवर एक्स पवन को देखे ज़रा ओहो बाबे क्या हालचाल है, बहुत बढ़िया हालचाल है भाई, आप बताओ क्या हालचाल है। एंड यहाँ पे फॉरएवर एक्स पवन को देखे तो भाई रेक्स ऑफिस हैं सामने एंड देखते ही हैं यहाँ पे फॉरएवर एक्स पवन रेक्स ओपी को भी कर पाएंगे या फिनिश या नहीं। और रेक्स ओपी को देख के तो बग्गी लेके वो लेफ्ट से पूरा रोटेट मारते हुए जोन की तरफ चल पड़े एंड फॉरएवर एक्स पवन भी सीधा सीधा जोन के अंदर जाते हुए क्योंकि रोटेशन के लिए उनके पास कोई गाड़ी नहीं है तो सीधा जाना पड़ेगा। माइनस के डेंजर ने यहाँ पे पीआरएफ के सोरोन को कर दिया है नॉक एंड फिनिश। पीआरएफ के बाकी बंदों को देखते हैं भाई माइनस की टीम सामने से रश करती हुई और ये भाई सोरोन के टीममेट्स टूब को भी कर दिया गया नॉक। अकेले बचते हुए गौतम कहते हैं यहाँ पे बचाने के लिए आए और गौतम को भी यहाँ पे फायर आ रहा था माइनस की टीम की तरफ से। माइनस की टीम पूरी तरह घेर चुकी है यहाँ पे पीआरएफ की टीम को एंड आई थिंक बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन लग रहा है भाई। आप फाइट जहाँ हो रहा है वहाँ नहीं दिखा रहे हो भाई, सारी देखो सारी स्ट्रीम पर फाइट ही चल रही है। अब ये है कि एक टाइम पे दो तीन जगह फाइट्स होती है तो वो नहीं दिखा पाते हम, आप बताइए हम उधर मूव कर लेंगे भाई। कितने बंदे बचे हैं, हमें भी रूम खेलना है ब्रो। अभी तो क्या बोलते हैं 29 बंदे अलाइव हैं। एलेक्स लूसी पर यहाँ पे गाड़ी के फूटने से हो चुके हैं नॉक फोर्स वायरस के टीम मेट भी यहाँ पर नॉक पड़े हुए हैं। डेक्स्टर ओपी उनको रिवाइव करने के लिए जा रहे हैं यहाँ पर फोर्स वायरस खुद ही फॉरएवर एक्स पवन वहाँ पे देख लिए गए हैं फोर्स की टीम की तरफ से यहाँ पे बाइक पे जाते हुए फॉरएवर एक्स पवन और ये भी लेफ्ट से रोटेट मारते हुए पूरा रेक्स भाई भी यहाँ पे जोन के एजिस पे बैठे हुए हैं और ये सीधा ब्लीड की टीम के पास से गुजरते हुए फॉरएवर की टीम और ब्लीड की टीम के ऊपर रुक चुके हैं यहाँ पे ब्लीड की टीम के ऊपर। और अब देखने वाला ये होगा कि ब्लीड की टीम को नाइट्रो भाई को मार पाएंगे या नहीं, बट नाइट्रो भाई ने यहाँ पे फिनिश कर ही दिया। जोन बहुत छोटा हो चुका है एंड 27 बंदे अलाइव है अभी भाई। स्ट्रीम थोड़ा डिले रखो, स्ट्रीम स्नाइपर आके मार रहे हैं भाई। स्ट्रीम पे बहुत डिले है, 40 सेकंड का डिले है। ब्रो आई डब्ल्यू एन एल की टीम ने भी खेलना है। आकाश ठाकुर भाई आप डिस्कॉर्ड चूज करते हो तो हमारे डिस्क्रिप्शन में अगर आप डिस्कॉर्ड का लिंक है जो उसमें हो तो आप एक बार कम्युनिटी वीसी आ जाओ, अभी हम वहीं पे बैठे हुए हैं, बता देंगे कैसे होगा ये सीन वगैरह सारा सॉर्ट आउट। अब जल्दी से आ जाना बस डिस्कॉर्ड पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और
यहाँ पे जेनक्स को भी पड़ चुका है, नॉक कर दिया गया है पीबी एक्सपर्ट मनु की तरफ से, जो कि हैं फोर्स की टीम के बंदे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। एंड हेलेक्स लूसिफर ने भी यहाँ पे फायर दिया एंड पीबी एक्सपर्ट मनु को कर दिया है यहाँ पे नॉक हेलेक्स लूसिफर ने। थर्ड पार्टी पे थर्ड पार्टी हो तो यहाँ पे बारह मिनट का था रुको। दो मिनट का था बीटीआर की टीम भी यहाँ पे फाइट ले दी है। फॉल्स वायरस के सामने यहाँ पे आ चुके बैरल के साथ, एलेक्स लूसिफर को डैमेज देकर नॉक कर दिया है यहाँ पे। फॉल्स वायरस यहाँ पे 1 HP बचते हुए 10 HP बचते हुए और एलेक्स का आरूम भाई अंतरूम भाई भी जा रहे थे और पीछे से ये क्या हर लिए गए हमारा गिलिच सा हुआ है। फॉल्स की टीम ने यहाँ पे एलेक्स के बंदों को कर दिया है फिनिश। पी बी एक्स वन मनु को रिवाइव देने के लिए बैठ चुके हैं अब यहाँ पे और रिवाइव देने के लिए बैठे ही थे कि उधर से बी टी आर की टीम ने कर दिया थर्ड पार्टी के साथ फिनिश को। एस टी पर रेक्स ओपन यहाँ पे ईजी जोन के बाहर बैठे हुए, माइनस की टीम यहाँ पे लगातार फायर देते हुए पैरो की टीम के ऊपर, टीम था टीम के ऊपर। एक और दो मिनट का रखो, चलो भाई दो मिनट का रख देंगे, बात क्या कर दी। बट यार वो उसमें क्या होता है कई कई बार ये हो जाता है स्ट्रीम में गिलीच, तो स्ट्रीम दिखती भी नहीं है एक तरह की, तो डेट्स वाई मेरे को नॉर्मल सा डिले रखना पड़ता है। चलो कल ट्राई करेंगे एक बार हम। और ये बैरो हिश को डीपी के साथ कर दिया गया लोग, जीरो एक्स की फाइट हुई। हाँ जीरो एक्स की फाइट हुई, ये रहे जीरो एक्स अकेले बचे हैं भाई। और ये नेट कर रहे थे आगे की तरफ नेट, ओ बैरो दादावाइटी क्या ही 1 HP एंड निकल के यहाँ पे बैरो दादावाइटी को नॉक करने की कोशिश की थी और ये फिनिश कर दिया गया भाई बैरो दादावाइटी को क्या ही। और बैरो ट्रैक्स आते हुए बैरो ट्रैक्स को देखते हैं यहाँ पे, ट्रैक्स को डैमेज दिया थोड़ा सा बट तो यहाँ पे मेरे को क्यों लग रहा है कि ऑक्स की जीरो एक्सके टीम का ये आखिरी बंदा होने वाला है ख़त्म और हो चुका है यहाँ पे। पीछे से माइनस की टीम भी थर्ड पार्टी कर रही थी गंदे वाला भाई, हम लोग फुट स्टेप भी नहीं दिए आके मार के गए ऐसे ही है भाई। मैं ऐसे देखो देखो जब मैं मैप खोलता हूँ ना तो वो तभी पोजीशन ले लेते हैं, अगर तुम एक जगह पे ज़्यादा देर तक बैठोगे तो वो आएंगे। रेक्स भाई अकेले ही खेल रहे थे एंड रेक्स भाई को यहाँ पे डैमेज पड़ते हुए रेक्स भाई शायद से फिनिश हो सकते हैं और यहाँ पे भाई ख़त्म हो चुकी है TSM मतलब बैरो की स्क्वाड को कर दिया गया ख़त्म माइनस की टीम की तरफ से। ब्लीड के नाइट्रो भाई नॉक पड़े हुए हैं सामने, नेट कर रहे हैं खींच के रख भाई, शायद से ब्लीड ट्रिगर भी इससे नॉक हो जाएंगे और लग रहा है जहाँ तक ब्लीड ट्रिगर यहाँ पर डैमेज बहुत हुए बट नॉक नहीं हुए। भाई भाई अगला एक स्लॉट बुक रखना आईडब्ल्यूएनएल की टीम के लिए। और लो भाई ब्लीड ट्रिगर ने भी नेट डाला, खुद तो डैमेज थे बट पहले नेट डाल के सामने वाली टीम को ले कर गए। आकाश ठाकुर भाई मैं बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का लिंक है, वो अगर आप उसमें जॉइंट हो पंजाब वॉरियर्स वाले में तो आप एक बार आओ, हमको बात करनी है आपको बताते हैं हम सारा सीन। और मार कौन रहा भाई इनको, माइनस इगोर को देखते हैं यही आई थिंक आई थिंक आगे की तरफ बढ़ के फाइट ले रहे हैं। यहाँ पे डीपी के साथ एलएफ पिकाचू ने ब्लीड के एक बंदे को नॉक किया, एलएफ पिकाचू भी नॉक हो चुके हैं वहाँ पे एलएफ की टीम के सामने। बाकी का एक और बंदा भी नॉक पड़ा, एक ही बंदा बचा है 11 टीम का यहाँ पे एलएफ पार्क एंड रिवाइव दे रहे हैं एंड रिवाइव दे चुके हैं वहाँ पे एलएफ क्लाउड को, एलएफ पिकाचू को बचाने की कोशिश करेंगे बट शायद से बचा पाएंगे या नहीं देखते हैं। ब्रो जॉइंट है और मुझे पता है सब कुछ, मैं डेली रूम्स खेलता हूँ। नहीं पता तो है यार, बात करनी थी बस आपसे एक बार आना। यहाँ पे नेट खींच के बैठे हुए हैं स्पार्क आगे तरफ फेंक देंगे बट वहाँ से ब्लीड की टीम हो चुकी है आगे की तरफ मूव एंड माइनस की टीम एलएफ की टीम एंड ब्लीड की टीम का अभी इकट्ठा शायद से फाइट होने वाली है। और एलएफ पिकाचु को फिनिश किया, एलएफ स्पार्क भी पास में लेटे हुए हैं इसका भाई थोड़ा सा नुकसान हो सकता है उनको बट देखा नहीं गया और देख लिया गया और कर दिया गया ब्लीड की तरफ से फिनिश। माइनस की टीम के बंदे वहाँ पे नॉक, माइनस टीम के बंदे भी सामने की तरफ नॉक कर रहे थे बंदे
और नॉक नहीं कर पाए माइनस की टीम के ऊपर, यहाँ पे हावी होते हुए ब्लीड की टीम। लव फ्रॉम 77 भाई, T2 में कैसे प्रमोट करना होना है भाई, T2 में प्रमोट होना है तो पॉइंट टेबल पे टॉप पे रहना पड़ता है, पूरा वीक लीग है। ब्लीड नाइट्रो यहाँ पे भाई अकेले बचे, देखते हैं भाई क्या करते हैं। स्मोक किया इन्होंने आगे की तरफ और भाई डेंजर भाई आगे की तरफ बढ़ते हुए। ब्लीड नाइट्रो को उठा दिया गया यहाँ पे भाई, जेनक्स को उठा रहे हैं, नेट्स की बारिश हो चुकी है इनके ऊपर। लव फ्रॉम 77 वांटेड मैन भाई थैंक्स फॉर कमिंग एंड थंडर भाई थैंक यू लव फ्रॉम चप्पू गेमिंग। और भाई क्या ही किस मोड से भाई, तीन बंदे नॉक थे यहाँ पे ब्लीड की टीम के और तीनों के तीनों को उठा लिया गया। वहाँ पे माइनस की टीम के बंदे नॉक थे और दोबारा से ब्लीड प्राइम के नेटी से हो गए हैं वो नॉक, एक बंदा उनका और BTR शेयरों से अगर यहाँ पे नॉक हो जाते हैं तो क्या ही होता, बट ब्लीड प्राइम जोन से ही नॉक हो चुके हैं यहाँ पे। डेंजर को भाई ब्लीड नाइट्रो ने कहाँ से डर दिया ये। वीक वीक में चेंज होता है। 77 ई-स्पोर्ट्स लव फ्रॉम 77 थैंक यू। यस ब्रो वीक वीक में चेंज होता है, मतलब कि जैसे T3 में होते हैं ना बंदे तो उनको रजिस्टर करवाना पड़ता है, जो T2 प्रमोट हो जाते हैं तो उनको भी रजिस्टर करवाना पड़ता है, जो स्लॉट्स जिन्होंने ले लिए तो ले लिए, फिर उसके बाद प्रोज क्रिम्स में प्रमोट होते हैं। अप फ्रॉम 77 थैंक यू यार थैंक यू। लो जी पेश कर दे यहाँ, लव फ्रॉम 77 लव फ्रॉम 77 नाइस ब्रो। आप T2 भी करवाते हो क्या? यस ब्रो आकाश ठाकुर भाई T2 भी होते हैं, हेलो ब्रो, ब्रो स्क्रीम्स भी होते हैं। हाँ जी ब्रो, हाँ भाई मैं विलेन बोल रहा था। बोलो बोलो। हाँ ब्रो अभी खेल रहे हो क्या? हाँ खेलते हैं अभी, मैं आऊँ? हेलो हेलो मैं आऊँ? ब्रो मैं क्या बोल रहा था, मतलब स्क्रीम्स कब खेलोगे? ओके अच्छा ठीक है ब्रो। आकाश ठाकुर भाई यार ये T3 तो खत्म हो गए, मैं अभी तभी तो कह रहा हूँ आपको कि डिस्कॉर्ड VC आओ आपको बता देता हूँ ये सारा सीन। T3 तो खत्म हो गए आज के, थैंक यू थंडर भाई फॉर लव फ्रॉम 77 के लिए।
नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, थैंक यू।